हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग में बीके में कौन से चैप्टर स्किप हो गए हैं, कौन से चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि सर उस पर एक वीडियो बना दीजिए, कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ma.ac.in। जैसे आप ये गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले वाला जो लिंक दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ लिखा है जितने भी सिलेबस, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जितने भी सिलेबस पे जो 25% रिडक्शन की गई है, ठीक है, ये उस पर पूरी डिटेल दी गई है। तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के ऊपर, तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये PDF मिलेगा। ओ माई गॉड सर, टोटल कितने पेजेस है? तो टोटल देखो ना, टोटल कितने पेजेस हैं इसमें, 348 पेजेस का PDF दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड पेज उन्होंने इंडेक्स नंबर दिए हुए, ठीक है, मतलब पूरा इंडेक्स दिया है कि आपको जो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए और वो सब्जेक्ट में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, ये इंडेक्स पूरा दिया गया है, ठीक है। अभी इसको है ना सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, सिंपल वर्ड में देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करने वाला है। कि से फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे चला गया, फर्स्ट पेज पे देखो ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज में है, ठीक है सर, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, यस यस लैंग्वेज है। अभी तो हम लोग डायरेक्टली किस पे आते हैं, तो देखो यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट का, साइंस एंड कॉमर्स का सबका मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग फिलहाल बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे देखेंगे, तो यहाँ देखो सीरियल नंबर कितना है, 43, ओके। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड के लिए, सर कौन से पेज पे है, तो पेज नंबर 228 to 266, ये पेज के बीच में अपने को बीके का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ 251 हम लोग को डायरेक्टली वही पेज पे लेकर जाएगा बुक कीपिंग में कौन से चैप्टर आप स्किप करोगे। तो देखो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट कौन सा है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एकेडमिक ईयर 2020 and 21, ठीक है। कौन से टॉपिक है, देखो सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर में डिवाइड किया गया, सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, पेज नंबर, मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी एंड रिमार्क। सर क्या है मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, देखते हैं, ठीक है। देखो सब सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मतलब सर ये तो है ही फाइनल अकाउंट, 12th स्टैंडर्ड का जो फेवरेट टॉपिक है अपना फाइनल अकाउंट, ये तो है ही, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये वाला टॉपिक करना ही है। दूसरा क्या है सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो एनपीओ ये टॉपिक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी है, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये जो नया टॉपिक आया हुआ था, ठीक है, ये भी है, ठीक है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी टॉपिक है। मतलब सर ऑलमोस्ट सभी तो टॉपिक दे दिए उन्होंने सर एक्टिविटी बॉक्स में, मतलब ये सभी टॉपिक है। बट सर इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखो ये जो बॉक्स में लिखा गया है ना सेल्फ स्टडी, ये सेल्फ स्टडी, मतलब सर आप कौन सा टॉपिक ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ये वाले सभी टॉपिक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। कौन सा, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये जो चार टॉपिक है ये कंप्लीटली आप क्या किस में छोड़ सकते हो सर, ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में देखते हैं कि सर टोटल वैसे टॉपिक है कितने अपने, ठीक है। तो सर टॉपिक की अगर बात की जाए तो आपको कौन से टॉपिक फिलहाल पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, फाइनल अकाउंट तो पढ़ना ही है सर, ठीक है, फाइनल अकाउंट तो पढ़ना ही है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये तो पढ़ना ही है, ठीक है, टॉपिक नंबर वन। दूसरा कौन सा है सर, एनपीओ भी पढ़ना ही है। थर्ड क्या है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं आपको। आपको रिटायरमेंट ऑप्शन में छोड़ना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये आप किस में छोड़ सकते हो, ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। फोर्थ टॉपिक क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक कौन सा था, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर इसको भी ऑप्शन में छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। सिक्स टॉपिक कौन सा था सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी क्या है सर, ये ऑप्शन में छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। और सेवेंथ वाला कौन सा है सर, कंप्यूटर अकाउंटिंग,
इसको भी क्या कर सकते हैं सर, ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। ओके तो सर पढ़ने कौन से है? तो सर फाइनल अकाउंट पढ़ना कौन सा टॉपिक है सर वो बताओ। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है आपको, डिसोल्यूशन पढ़ना है। आप ऑप्शन में क्या छोड़ के जा सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।